आज का काम भी एक बहुत बड़ा काम है। परेशानी नहीं होती ना, पनीर वेज छुट्टी मंगा रहा था मैं तो। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। जस्ट अभी व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। जोशी जी पी रहे हैं ग्रीन टी और मैं पी रही हूँ गर्मा गर्म पानी, नॉर्मल वाला। ठीक है, गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया। थकान उतर गई जी आपकी? हाँ हाँ, मेरी तो नहीं उतरी, आपकी कैसे उतर गई? तो आज लास्ट दिन ही है, कल से ये भी अपना जॉब पे जाना स्टार्ट करेंगे। काफी दिन हो गए, तो आज हम सोच रहे हैं कि घर का जो सामान बाहर है, हमने यहाँ अपने पड़ोसियों के यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ था। बिना खाना खाए डकार मारते रहते हैं, खाना खाएंगे तो क्या हाल करेंगे। तो अभी हम सोच रहे हैं सारा सामान घर में ले आते हैं एक बार फिर से और पूरी सेटलमेंट कर लेते हैं। आज ही का दिन है, उसके बाद कल से फिर लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। और आज का काम भी एक बहुत बड़ा काम है जो करना ज़रूरी है। और बस अब पानी पीते हैं, एनर्जी आएगी बॉडी में, फिर काम करेंगे। लो, कर हर मैदान फतेह। साफ सफाई डन हो चुकी है अभी घर की, क्योंकि सामान घर के अंदर लेके आना है तो पहले साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है। और आप में से ना मुझे एक दो कमेंट ये देखने के लिए मिले व्लॉग के नीचे कि दीदी आपकी ये वाली जो ड्रेस है जो मैंने अभी फिलहाल वेयर की हुई है, कि आप आजकल इसे बहुत वेयर कर रहे हो, हमने बहुत बार देख लिया व्लॉग में। तो मैं रात को सोते समय इसे पहन लेती हूँ, सुबह जब व्लॉग की स्टार्टिंग होती है तो भी इसके साथ ही होती है। और कुछ सीन ये भी था कि सिर्फ जो कपड़े मुझे फंक्शन में शादी के पहने थे, मैंने सिर्फ वो कपड़े अपने और जोशी जी की अलमारी में रखे हुए थे। थोड़े बहुत ही कपड़े बाहर थे, बाकी सब कपड़े शिफ्ट हो रखे हैं बगल वाले घर में। तो अब वो सब कपड़े आएंगे, तो अब कपड़े अलग अलग हम पहनना शुरू करेंगे। अभी तक तो जिंदगी ऐसी सी ही चल रही थी। तो रूम सेट है, यहाँ पे सब कुछ सेटलमेंट हो चुकी है। अभी तक ये जगह पूरी खाली खाली लग रही है, देखो खुली खुली खाली खाली। अभी थोड़ी देर में सब भर जाएगा दोबारा से, गद्दे साइड पे खड़े कर रखे हैं। अलमारी खड़ी करने की जगह भी खाली कर दी है, सामान में सबसे आगे वहाँ अलमारी खड़ी है, तो सबसे पहले अलमारी ही आएगी रूम में, बाकी सामान धीरे धीरे लाते रहेंगे। अलमारी बाहर निकालने की कोशिश शुरू हो चुकी है अभी। बहुत कुछ फाइनली अलमारी रूम में आ चुकी है। बिल्कुल चिपका ना मत यार साथ में, थोड़ा सा आगे कर दो, पीछे स्विच है ना। बस ठीक है, बस बस यहीं पे रख दो भी साइड में। इसको अंदर रख दो, बेड के ऊपर रख दो अंदर। अंदर हाँ, अच्छा कर दो ना, ये फिर खिसक गई ये वाली, उठाओ इसको थोड़ा, बस बस अंदर कर दो ना, थोड़ा लगेगा पैर में, बस बता दो पापा, जाएगी
लो जी बेड भी हो गया सेट। अब इसके अंदर सामान सेट करना है। हम तो करते हाथों हाथ अभी कर ही देते हैं, लेकिन मम्मा कह रहे हैं कि नहीं बाद में अपने आप करूंगी, हम फिलहाल बस इसको सेट कर दो, सामान के हिसाब से रखेंगे वो। पटखाड़ भी लाना है ना अंदर। अब चलो चले चलो चले सामान को सब अंदर रखें। देखो बेड का क्या हाल हो गया, अभी तो और होगा, ये तो बस शुरुआत है, बस आज का हो रहा है, ये बस जंग जीत लेंगे, सेटलमेंट हो जाएगी। तो पूरी शादी के टाइम पे जितने भी हमने काम काज किए सब में क्या हो रहा था कि मैं तो दूसरों का शूट कर लेती हूँ जो दूसरे काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं काम कर रही होती ना तब शूट करने वाला कोई नहीं होता। फिर आप में से कईयों के कमेंट मुझे देखने के लिए मिल जाते हैं कि दीदी सब लोग काम कर रहे थे, आप तो कुछ कर नहीं रहे थे, आप तो सिर्फ व्लॉग शूट कर रहे थे। भाई जब मैं काम करती हूँ तो मेरा व्लॉग शूट करने वाला कोई नहीं होता। अगर आप में से कोई आके मेरा व्लॉग शूट कर सकता है तो प्लीज़ कृपया आइएगा और व्लॉग शूट कीजिएगा। सामान सारा अंदर आ गया, अभी पटखाट रह गया था वो भी आ गया है। सामान का देखो क्या ढेर लगा है यहाँ पे, अभी आधा सामान अंदर है। चल बाहर निकल, बाहर निकल, अरे इसमें जल्दी आ जाएगी, बाहर तो निकल एक बार, वहां से निकलता ना तो उधर से निकलना। अच्छा मैं देखो, अरे वही जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगी, जाना तू जा तो सही, वैसे ही रखो नहीं किसी जाता हूं ना, जा हेलो कमला ले पतला होने का फायदा। जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा ही था, कल कथा करवाई थी अपने घर में, तो काफी सारे फल फ्रूट कल आए थे घर में, तो अभी नाश्ते में वही फल फ्रूट खाए जा रहे हैं। सबसे पहले जोशी जी के कपड़ों का बैग खोला गया है, अलमारी सेट की जा रही है, अब बस एक बार में ही सेट करेंगे, सर्दियां तो गई, अब गर्मी के कपड़े ही रखने हैं सीधे। वैसे काम फिर भी हमें एक दिन करना ही पड़ता, सर्दी के कपड़े रखने पड़ते, गर्मी के निकालने पड़ते, हाथों हाथ ये भी हो जाएगा। कुर्ते पजामे हैं जो आपके ये वाले, ये गर्मी वाले कपड़े भी हो रहे हैं ना, नहीं डरता बोले का धोखियां। अभी चाहिए रहेगा। हाँ हाँ
जींस यहाँ भी है। नहीं तो गर्म है, रख दो वैसे बाहर रख दो, एक दो कपड़े तो रख ही लो अभी, क्या पता आते जाते में बाकी संभाल लेते हैं। हेलो गाइस, फॉलो कर लो, पहले चीख मारी फॉलो मत करने देना। लग गया तो आपको मैं ये भी दिखाई देती हूँ, हल्दी में जोशी जी ने ये वाला कुर्ता पहना हुआ था और शादी में ये वाला पहना हुआ था जिसपे ये वाला वर्क है, और ये पहना था मेहंदी में। तो मैं क्या कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपके कि पीला ही पीला पहन रखा था। नहीं, इस बैग में रखूं? हाँ, इसमें रखो। ठीक है, वाह क्या बात है, बड़ी जल्दी डाल दिया सुई में धागा। हमने कढ़ाई कर बैग ही रखने वाले हैं जो है सारे। जोशी जी, सारे बैगों में से चार बैग हमारे है ना, चार बैग हमारी हमारे ठहरे, बताओ क्या करें, फिर फेंक दे बाहर। मम्मी को ले लिए होंगे ना इसमें से भी है? कहा मम्मी के लिए जो बैग लाए थे वो बीच में ही है, अब खा लिए होंगे बीच में होंगे फिर। अच्छा, मम्मी के अलग रखे हुए हैं, ये चार बैग तो अलग हैं। मम्मी के बीच में ही है वो, लगा दिए बीच में, मम्मी को दिए कहा। हाँ, ये सामान के लिए करो। हाँ, यही मैं बता रही थी, इतना थोड़ी लाए थे मम्मी जो क्या करेंगे, सामान लेके चले गए जो लेके जाना था, है कहाँ। अरे वहाँ काम के लिए मंगाए उन्होंने, यहाँ उन्होंने अपने लिए मंगाया था अपना सामान। गलती करी उस टाइम, एक बैग होता सारा सामान के लिए, उन्हें परेशानी नहीं होती ना। हाँ, मुझे लेके खुला कर, खाली परेशान रहे हो, कुछ मना कर दे। थैले उठाते उठाते ये थैले कुछ हमारे फट चुके हैं क्योंकि सामान इनमें ओवरलोड हो चुका है, तो अब साथ साथ में सिलने का काम भी चल रहा है क्योंकि थैले बहुत अनमोल है, इन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, तो हम इनको फाड़ के से फेंक नहीं सकते। कमला ऐसे क्यों घूर रही यार, अगर ये सिलने के बाद दोबारा फट गई तो फिर फेंक देना। नहीं, फिर भी नहीं फेंकू, फिर दोबारा सिलूंगी। जो मेरा भाई लाया था मेरे लिए मनाली से, लेकिन ये एक बार भी नहीं पहना गया क्योंकि मिलता ही नहीं है पहनने के टाइम पे, इतना संभाल दी जाती है चीजें कि हमें पता नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता क्या कहा संभाल दिया। साड़ी देख देख के रखना, कौन कौन सा साड़ी सूट भर गई है पूरी अलमारी, दबने वाली गया अभी इनके नीचे। सामान का देखो क्या हो रखा है, हाल अनस्टिच साड़ियां सब एक में अलग से रखी जा रही हैं, सब साड़ियां अभी यही है बस। ये ड्रेसेस हैं, ये भी कवर कर। दोपहर के 2 बज चुके हैं अभी, और यहाँ पर अभी खाया जा रहा है खाना। सामान का भी यही हाल है, पूरा दिन पूरी रात जाने वाली है ऐसा मुझे फील हो रहा है। ये सहरा लगाकर जोशी जी आए थे मुझे मेरे घर से लेने के लिए। ये जूती जो हाथ में पकड़ के बैठे हैं ये पहनी थी इन्होंने पैरों में, ऐसे रखा हुआ है सामान, कहाँ यूज़ होता है, कभी यूज़ नहीं होता, संभाल के रखे रखो यादें, शादी की यादें। इतनी सारी बोटल्स में से सिर्फ इतनी सी बोटल्स बाकी बची है, और इन सबको सजा दिया एक बार फिर से ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। नमस्कार माता श्री। नमस्कार जी, नमस्कार बजरंग। मम्मी मैं यार थक गई हूँ बहुत ज्यादा। क्या करा, सामान लाए? सामान ही टांचने में, सुबह से तुम्हारी याद आ रही बहुत ज्यादा मुझे। मैंने कहा मम्मी होती यार क्या मजे आते, यहाँ होते तुम्हारी पिपड़ी पीस बन जाती जैसे मेरी बन रही अभी ये। सामान आ कितना आ गया? ले आए अंदर सारा, बेड बुड ले आए, अलमारी ले आए, वो सामान सेट करने में लगे हुए, उसमें तो पैक कर करके रख दिया, अब खोल के दोबारा टांचना हुआ है। पांडे जी सीटी बजावे ऑन ड्यूटी, आदत बड़ी नस पीटी बजावे ऑन जी सीटी। और फिर पांडे जी और कुछ सुनिए ना। नहीं, मैं रह गई, मुझे पैक कर दो इसके अंदर। वो वाला कंबल यहाँ आ जाएगा बाद में। जितना सामान बेड पे फैला हुआ था वो तो सब सामान हमने संभाल दिया है। पता नहीं क्या चक्कर हुआ, जिस समय हमने की थी ना सेटलमेंट में, जिस समय सामान ने पैक करके बाहर निकाला था, सारा सामान इस रूम में से ही बाहर निकला था जब हमने रखा, लेकिन अभी जब वो सामान वापस आया तो बढ़ गया पता नहीं कैसे।
जगह नहीं हो रही, थैले एक्स्ट्रा हो रहे, सामान एक्स्ट्रा हो रहा है, कहाँ रख के जगह नहीं मिल रही रखने की। तो ये तो रहेगा थोड़ा सा, जब तक ऊपर वाला पोर्शन हमारा नहीं बन जाता तो भी देखते हैं, थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे धन जमा पूंजी, उसके बाद ऊपर बनाने की प्लानिंग है। तो आप लोग भी खूब सारा प्यार देना जैसे अभी तक आप देते आए हो। अभी नोटिस किया शाम के 5:30 बज चुके हैं, व्लॉग अभी मैंने एडिट किया नहीं है, 7 बजे व्लॉग मुझे डालना है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा पाउज लिया है। इस पाउज के बीच में ये काले अंगूर खाए जा रहे हैं, मम्मा भी बाहर खा रहे हैं, कमला देवर जी अभी मना कर रहे हैं खाने के लिए। साथ में व्लॉग एडिट हो रहा है, साथ साथ में थोड़ा खान पान चल रहा है, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। आज भी हमारे घर में किसी ने नहीं नहाया, किसी ने भी नहीं नहाया, ऐसा होता है ऐसा। व्लॉग एडिटिंग का मेरा काम चल ही रहा था, इतने में जोशी जी कहने लगे कि मैं नहा लेता हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर में भी मैं भी नहाऊंगी, कह रहे नहीं आपने नहाओगे, अब टाइम भी टाइम हो गया, शाम को भी मुझे नहाने ही नहीं देते। कह रहे नहीं मैं नहाऊंगा, मैं अपना जोत जला दूंगा। मेन यही होता है मेरे को कि नहा के जोत जला लूं करके, तो कह रहे मैं अपने आप नहाऊंगा, अपने आप जोत जलाऊंगा, तुम ना काम हम देखो जो रह गया। तो मैंने व्लॉग एडिट किया, आपके कमेंट्स के रिप्लाई किए, उसके बाद कमला देवर जी ने ही झाड़ू लगा दिया था और अभी मैंने बेडशीट वगैरह बिछा दिया। अब पूरा रूम सेट हो गया, अब एक्चुअल मीन में रूम सेट हो गया। आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है, कमला देवर जी ने इतना हाथ बटाया, इतना हाथ बटाया जिसके लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। मतलब रियल में जो देवर भाभी वाली बॉन्डिंग होती है ना, एक अच्छी सी वाली, वो मेरे को कमला देवर जी के साथ ही रियल में मैंने एक्सपीरियंस किया कि अच्छा ऐसा भी है, ऐसा भी है। मतलब इतना हाथ सार करते हैं ना हर चीज़ में, कोई भी चीज़ उनको बोल दो मना नहीं करते कभी भी, और हंसी मजाक भी खूब चलता है हमारा। जैसे गीशी की और मेरी है ना, वैसी मेरी उनके साथ भी खूब बनती है। और अभी ये काम वाम निपट गया है, और अभी थोड़े टैग वगैरह लगाने में रहता है, थोड़ा सा काम रहता है, हम लोग का वैसे हो गया है। और जोशी जी जब तक नहाकर वापस आते हैं तब तक मैं वो काम कर लेती हूँ। जोशी जी ने अभी मना किया मुझे भी, देवर जी को भी, मतलब सभी को घर में कि कोई भी मत नहाना करके, लेकिन अभी देवर जी ने तो नहा लिया जबरदस्ती में। जोशी जी भी संघ बजा रहे थे तो देवर जी कह रहे मैं भी बजाता हूँ, हाथ जोड़ के उन्होंने भी संघ बजाए। आज इतना प्यारा संघ जोशी जी ने बजाया, इतना प्यारा संघ देवर जी ने बजाया। मतलब कई बार होता है ना कि भीड़ देख के, इतने सारे लोग देख के नहीं बज पाता संघ, तो कल इन दोनों से ही नहीं बज पाया, दोनों नाकामयाब रहे। तो जमाई जी ने बजाया था गजम का, आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, आज देखो कितना प्यारा संघ बजा रहे हैं, गजब माया इन दोनों भाइयों की भी। ची चाइम ची चाइम, क्या देख रहे हो जोशी जी अपनी बीवी का व्लॉग? जैसे कि आप लोग व्लॉग में देख ही रहे हो, सुबह से हम लोग लगे हुए हैं घर की साफ सफाई करने में, तो अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, ना मम्मी के अंदर ना मेरे अंदर। मम्मा तो फिर भी दोपहर में थोड़ी देर में रेस्ट कर ली थी, हम लोग तो कंटिन्यू सुबह से लगे हुए अभी तक। तो अभी मम्मी और मैंने यही बोला कि बाहर से खाना ले आओ भैया, आज हमारे बस की नहीं हो रही। तो अभी जोशी जी और कमला देवर जी दोनों गए हुए हैं स्कूटी पे, पता नहीं क्या लेने के लिए गए हैं, क्या लेके आएंगे, जो भी होगा आपको दिखाते रहूँगी साथ में। तब तक आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर लेती हूँ मैं। कौन कौन से मोमोज लाए जोशी जी? पनीर और वेज, पनीर और वेज मोमोज आए हैं अभी घर में। तो ऐसा ही हो रहा है, कहाँ से लाए हो? उसी से जिससे खाते हैं हम लोग, नोएडा वाली साइड से। घर में हमने सभी ने मोमोज खा लिए हैं। मोमोज खाने के बाद अभी बारी है गोलगप्पे खाने की। ये पानी जो उन्होंने खट्टे वाला बनाया था ना, वो भी रखा हुआ है, लेकिन ये पानी ऐसा एकदम बर्फ जैसा हो रहा है। ये देवर जी को मैंने कहा था अभी बाहर जा रहे हो तुम लोग कुछ लेने के लिए, तो लेके आना गोलगप्पे वाला पानी, क्योंकि मुझे मीठा पानी पसंद है। लेकिन महाराज जी लेके नहीं आए। जिस दिन उन्होंने गोलगप्पे ये बनाया था ना पानी, उसने सिर्फ एक गोलगप्पा खाया था मैंने, जो व्लॉग में दिखाया था जस्ट वही, उसके बाद मैंने गोलगप्पा नहीं खाया। लेकिन आज मेरा मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। लग रहा है पानी ना जैसे बर्फ पिघला के रखी हो, बिल्कुल ठंडा ठंडा एकदम से। यार गोलगप्पे का स्वाद ना पानी से ही है, मुझे पानी में ही स्वाद नहीं आ रहा तो बताओ। लेकिन मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, जबरदस्ती वाला सौदा हो रहा है मेरे साथ तो। ओए जानू तू कहाँ खा लिए? दोलदप्पा खा लिए तू? दोलदप्पा मुझे भी खिला दे भाई, खिलाएगा? नहीं नियत ही नहीं है, कभी तो हाँ बोल दिया कर किसी चीज में। उसका गोलगप्पा छीन लो, इससे गोलगप्पा छीन लो, गोलगप्पा। दादी को ज्यादा पीड़ हो जाती है, हाथ नहीं लगा रहा पौधे को। अच्छा कलाकारी, पानी भरने का स्टाइल, चमचे से भरा जा रहा है पानी। ओहो ओहो आहा, दिमागदार तो बहुत ही रह रहा है बेटा तू। वैसे अब आधा खाएगा आधा फूकेगा लग रहा मेरे को। ओ स्टाइल लड़के छा गया, लड़की दो गोलगप्पे खाए मैंने अभी इस खट्टे पानी के साथ, लेकिन ना मजा सा नहीं आ रहा था,
तो मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आया, मैंने अभी प्याज और टमाटर यहाँ पे बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हल्का सा मैंने काला नमक मिलाया है और अभी मैंने गोलगप्पे के अंदर डाली है टमाटो सॉस और अभी मैं इसको टेस्ट करने लगी हूँ। जिस दिन से आरती की शादी हुई है ना, उस दिन से आज ही हम खाना, ये मतलब प्याज खा रही हूँ मैं। आज सुबह भी रात जो हमने सब्जी बनाई थी वो बची हुई थी टमाटर की, उसके साथ ही थोड़ी पूरी थोड़ी रोटी बनाई थी, तो वही हमने सुबह खाना खाया आपके सामने। तो अभी टेस्ट करने लगी हूँ मैं प्याज इतने दिनों के बाद। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपने जो खाना खाया, जो खाना बचा हुआ था शादी का, तो वो भी उसमें तो लहसुन प्याज होगा, तो वो जो खाना बना था उस सारा ही खाना बिना लहसुन प्याज के था, जो भी शादी में आपने देखा था जो हम खा रहे थे। और वहाँ हम रिसेप्शन में गए थे तो आलू की टिक्की बनी थी, तो आलू की टिक्की के ऊपर हल्का मैंने चाट मसाला डालकर वो खाया था, गोलगप्पे का पानी पिया था। और गोलगप्पे जो थे वो सिंपल थे, मतलब बिना उसकी फीलिंग के, उसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला था, खाली ऐसे सिंपल पानी पिया था। तो सब कुछ फॉलो किया जा रहा है तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। आज ही प्याज खा रहे हैं हम उस दिन के बाद, तो गोलगप्पा भी कह रहा है कितनी बातें करेंगी, खा ले मुझे। गोलगप्पे खाने का समागम यहाँ पे भी चल ही रहा है और साथ ही साथ हमने पिज्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया था, पिज़्ज़ा वाले भैया आने वाले हैं, तो चलिए बाहर चलते हैं और करते हैं रसीव पिज़्ज़ा। कैसा लग रहा है? सही है, मज़ा सा आ गया मेरे को तो, खट्टे बने ज़्यादा टेस्टी ऐसे लग रहे हैं वैसे। पार्टी टाइम, चलो चलिए। ईशान कौन सा वाला खाएगा? ये वाला खाएगा? ईशान के लिए मिर्ची नहीं डालनी थी, चलो कोई हटा देंगे। ओहो ईशान, इसमें तो मिर्ची डाल दी चाचू ने। अच्छा दूसरा वाला खाओगे? चाचू को पूछी दिया आपने? कोई बात नहीं, खाने के लिए। कान में क्या सिगरेट बातें चल रही है यहाँ पे? आज मंगा दूं कोल्ड ड्रिंक? अभी खाना है, अभी खाना है कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पर पिज्जा पार्टी हो रही है, बहुत छोटी मंगा रहा था मैं तो, छोटी वाली ना, कितनी छोटी बता दे, इतनी छोटी। पकौड़े खाली प्याज के बन जाएंगे। तो YouTube फैमिली कुछ इस तरीके से रहा हमारा आज का दिन, पूरा दिन तो सफाई करने में निकल गया, शाम के समय हमने पार्टी शार्टी की, बहुत अच्छा लगा। अभी कमला देवर जी घर में है, रौनक सी लगी हुई है इनके साथ, अब जिस दिन ये जाएंगे उस दिन हकाक होगा बहुत गंदे वाला। रात के अभी 12:30 बज चुके हैं, हम लोग साथ में बैठे हुए हैं, अभी भी गप्पे छप्पे चल रही है हमारी। आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी मैं, तो 90% कमेंट ये आ रखे हैं कि कल को आरती दीदी आने वाली हैं, कल को आरती दीदी आने वाली हैं, पग फेरा होगा, सत्यनारायण भगवान जी की कथा होगी। तो आप सब लोग पहले ही इतने मतलब अंदाजे सही से लगा रहे हो ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो फिर मैंने बोला था कि जो सबसे पहले सही जवाब देंगे उनका मैं नाम लूंगी करके, तो उनका नाम है कमला नेगी, जिन्होंने सबसे पहले बिल्कुल सही जवाब दिया था कि आरती आने वाली है घर पे करके। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो व्लॉग्स को, थैंक यू सो मच। आगे भी व्लॉग्स को ऐसे ही प्यार देते रहना, कोशिश हमेशा ही रहती है कि आपके लिए कुछ खास लेकर आए, और कुछ खास लाने की कोशिश हमेशा आगे भी रहेगी, है ना जोशी जी? बिल्कुल रहेगी। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो आज का व्लॉग यहीं तक था, कैसा लगा आपको आज का व्लॉग जरूर बताएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, आइए आह आह।